दोस्तों पंजाब के बागी कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देश के एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल ने नवजोत सिद्धू को पंजाब का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने की खबर दी है। इतना ही नहीं, न्यूज चैनल द्वारा 29 जनवरी को नवजोत सिद्धू के शपथ ग्रहण की बात भी कही जा रही है। इसके उल्ट नवजोत सिद्धू के नजदीकी सूत्रों द्वारा इस तरह के किसी भी कार्यक्रम से मना किया जा रहा है। दोस्तों आज हम नवजोत सिद्धू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने से जुड़ी इस खबर के अलग अलग पहलुओं की जांच करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। चलो अब शुरू करते हैं। देश के बड़े न्यूज चैनल ने नवजोत सिद्धू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की खबर दी है। यह खबर नई दिल्ली में कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से दी गई है। चैनल ने 29 फरवरी को नवजोत सिद्धू को डिप्टी सीएम के रूप में शपथ दिलाने की बात भी कही है। चैनल के अनुसार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गत दिनों नई दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान को अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए नए मंत्रियों की लिस्ट देकर आए थे। इस लिस्ट में नवजोत सिद्धू को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए नवजोत सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लिया है। न्यूज चैनल का दावा है कि नवजोत सिद्धू को आलाकमान ने इस फैसले की जानकारी दे दी है। दूसरी तरफ नवजोत सिद्धू के नजदीकी सूत्रों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की खबरों से मना किया है। सूत्रों का कहना है कि नवजोत सिद्धू किसी भी सूरत में कैप्टन अमरिंदर सिंह के अधीन काम करने को तैयार नहीं है। सूत्रों ने इतनी जल्दबाजी में शपथ ग्रहण करने की संभावना से भी मना किया है। सूत्रों का दावा है कि नवजोत सिद्धू का सीधा निशाना अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही है। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मतभेद के बाद पिछले साल जुलाई में नवजोत सिद्धू ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पिछले 7 महीने से नवजोत सिद्धू पंजाब की राजनीति के हाशिए पर हैं। कांग्रेस आला कमान द्वारा कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के गतिरोध को खत्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इस समय यह मामला खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथ में था। पंजाब के राजनीतिक गलियारों में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुख्यमंत्री का पद वापस लिए जाने की चर्चा भी जोरों पर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पंजाब की जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के काम करने के तरीके के खिलाफ आए दिन बयानबाजी करते दिखाई देते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बढ़ते असंतोष को लेकर कांग्रेस आला कमान भी चिंतित है। इसी आधार पर पंजाब विधानसभा में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं को बल मिल रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पंजाब की राजनीति के ताजा हालात के संबंध में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।